नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ से संवाद। इमरजेंसी विभाग में पहले उपचार फिर पर्चा, मरीजों को समयबद्ध मिलेगा उपचार। हमीदिया अस्पताल की इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में मरीजों को मिलेगा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा। अस्पताल का इमरजेंसी विभाग उसका चेहरा, मरीजों की गंभीरता के आधार पर रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटकर किया जाएगा इलाज। चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को दिल्ली एम्स के ट्रामा सेंटर में मिलेगी ट्रेनिंग। गोल्ड आवर में मरीज को उपयुक्त इलाज की मिलेगी ट्रेनिंग। चिकित्सक, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को दी गई सॉफ्ट सीकल ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री शिवराज जल्द करेंगे इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का शुभारंभ। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। रुचि से मैं लगातार बात करता हूँ, मेरे ख्याल से किसी और एचओडी से इतनी बात नहीं हुई होगी जितनी इनसे बात होती है। और मैं जितना समझता था मैंने अपना इनपुट भी इसमें डाला। मैं टेक्निकल लाइन का नहीं हूँ, मैं डॉक्टर की जो बिरादरी है उस बिरादरी का नहीं हूँ, पर मैं जो अपना थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उससे मैंने ये प्रयास किया कि हम इस विभाग में कुछ नया करें। और इसीलिए इस पूरे को, इस विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो परिवर्तन करना था वो मैंने आकर परिवर्तन किया। बहुत डॉक्टर वगैरह नाराज भी हुए, इस दरवाजे को तोड़ो, यहाँ पर ये बनाओ, इसको ये करो, ये मैंने करवाया। तो ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने खूबसूरत बनाने की कोशिश की, हमने ये पूरी कोशिश की कि जैसे ही पेशेंट आएगा वो कैसे रिसीव होगा, उसको कहां पर ये निर्धारण होगा कि वो किस स्तर का मरीज है, फिर रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, ये पूरा का पूरा इसको बाइफर्केट करना, उसके अलग अलग बिस्तरों को आइडेंटिफाई करना, किस तरह से हम इस पूरे में सर्कुलेशन एरिया को अच्छे से कर सकते हैं। कोई ट्रॉमा वाला है तो किस तरह से MRI, उसका CT स्कैन, उसकी एक्सरे, यदि ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो इससे जुड़ा हुआ हमारा ऑपरेशन थिएटर, इस सब की हमने पूरा लेआउट बनाकर किस ढंग से हम इसके फ्लो को बहुत अच्छा कर सकते हैं इसका पूरा मॉनिटरिंग हमने किया। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, जो अभी तक हमें समझ में आ रहा, डिपार्टमेंट शुरू होगा, पेशेंट आएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन हमें करना पड़े, पर हमने ये सुनिश्चित किया है कि इसका पूरा फ्लो ऐसा रहे कि पेशेंट को हम जल्द से जल्द सही इलाज दे सके। और मैं मीडिया के व्यक्तियों को बताना चाहता हूं कि इसकी जो सबसे बड़ी बात है, हम दो चीजों पर काम कर रहे हैं। एक तो इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने वाले पेशेंट का रजिस्ट्रेशन बाद में होगा, उपचार पहले होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आमतौर पर क्या होता है, पेशेंट और पेशेंट के परिजन इसी बात को लेकर इधर से उधर घूमते रहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कहां होगा, पर्चा हम कैसे बनवाए। यहां पर यह नहीं होगा, पेशेंट आएगा, सबसे पहले उसका उपचार होगा, उसके बाद उसकी बाकी फॉर्मेलिटी, बाकी औपचारिकताएं हम करेंगे। सबसे पहले पेशेंट की जान बचाना और उसको चिकित्सीय सुविधा देना, ये हमारा मोटो रहेगा। और उस बात को लेकर मैं आज ये मेरी टीम को कहना चाहता हूं कि ये सुनिश्चित करें उसका रजिस्ट्रेशन, उसकी औपचारिकता, उसका पर्चा बनना, ये सेकेंडरी है, सबसे पहले हम उसका उपचार करेंगे। और दूसरा, मैं डीन साहब से और सुपरिटेंडेंट जी से कहना चाहता हूं, यहां डिस्प्ले लगाइए किस पेशेंट की एंट्री कितनी देर में हुई, कब हुई, और उसको जो आखिरी इलाज उसको मिलना था, मतलब उसका ऑपरेशन होना था, उसका MRI होना था, उसका एक्सरे होना था, ये समय कितना लगा, ये यहां पर डिस्प्ले होना चाहिए, ये पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए। सपोज विश्वास तारंग आया, यदि मेरे को फ्रैक्चर हुआ है तो ये मैं यदि 3:15 पर एंटर हुआ हूं तो मुझे प्लास्टर बनने तक कितना समय लगा, ये हर पेशेंट का हम आकलन इससे करेंगे मैडम, और उससे सफलता आपके डिपार्टमेंट की होगी। हर अस्पताल से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहा, मेरा ये मानना है। यहां पर मीडिया के बंधु बैठे हुए हैं, ये इस बात से इत्तेफाक रखें ना रखें, पर मैं ये ताकत के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश, या मैं बोलता हूं देश के बाकी हिस्सों में भी, जितना अच्छा काम सरकारी अस्पताल में होता है शायद उतना किसी कॉर्पोरेट अस्पताल में भी नहीं होता। पर हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारा वो उजला पक्ष नहीं दिखाया जाता। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी चीजें जो होती हैं वो मीडिया की सुर्खियां नहीं बनती, पर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो चीजें शायद अच्छी नहीं हुई उसको स्वीकार करने में हमें कहीं संकोच नहीं है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलतियां होती है, इतने बड़े सेटअप में मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूं कि एवरीथिंग इज ओके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हैं, पर अच्छा पक्ष भी बहुत बड़ा है। किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो कितने पेशेंट को देखे, कितने पेशेंट को ना देखे, कितने लोगों को भर्ती करे, कितने लोगों को भर्ती ना करे, पर हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास ये चॉइस नहीं है। जैसा आपने देखा होगा, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पहले होटल में, आजकल आपने देखा होगा
हर होटल में जो एडमिशन एडमिशन रिजर्व ऐसा लिखा रहता है, हाँ राइट टू क्या है वो, हाँ राइट फॉर एडमिशन इज रिजर्व। ये जब वीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले ये नहीं था नियम। उस समय क्या हुआ कि दिल्ली में देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने, और जब देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हजारों लाखों लोग आए और होटलों में एकदम से प्रविष्ट हो गए। जब होटल के मैनेजमेंट ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं ये नियम नहीं है, आप हमें रोक नहीं सकते। और उस समय व्यवस्था एकदम से चरमरा गई थी, तो उस समय सरकार ने यह नया नियम बनाया कि होटल का मालिक इस बात का अधिकार रखता है कि उसको किसको एडमिशन देना है, किसको अंदर एंट्री देना है, किसको नहीं देना। ये उससे पहले नियम नहीं था। तो कॉर्पोरेट अस्पताल में तो ये नियम है, उनका ये विचार होता, वो कहते नहीं हमारी तो 60 की कैपेसिटी, हम 61 को नहीं लेंगे, हमारा 100 बिस्तर का अस्पताल है, हम 101 को नहीं लेंगे। पर आप गांधी मेडिकल कॉलेज में ये नहीं कर सकते। मेरे किसी सरकारी अस्पताल में, चाहे वो हेल्थ का अस्पताल हो या मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ अस्पताल हो, ये हमारे पास अधिकार नहीं। और हम निश्चित रूप से, हम सरकार के अस्पताल है तो हम किसी को रोक भी नहीं सकते। बहुत बार मीडिया में ये दिख जाता है कि एक बिस्तर पर 2 पेशेंट है। अब हमारी कैपेसिटी यदि मैटरनिटी वार्ड की 300 है और 350 पेशेंट आ जाएंगे, हम वो 50 लोगों को बाहर नहीं कर सकते। पर हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनको उचित और अच्छा इलाज दें। और मैं ये बात ताकत के साथ कहता हूं, मेरी ये टीम को बधाई देता हूं कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहां की, व्यवस्था में कमी है उसको लेकर हम कहीं कोई दुराभाव नहीं रखते। हम ये मानते हैं कि निश्चित रूप से वो कमियां और हमें उसको ठीक करना है। पर अब देखिए, कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है। कांग्रेस के नेताओं को मैं ये सलाह दूंगा, वो मध्य प्रदेश पर हर विषय में बातचीत करें, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भी आंकड़ों पर जरूर बातचीत करें। राजस्थान के मंत्री ने भरी विधानसभा में महिला अत्याचार को लेकर बातचीत की तो कांग्रेस के नेतृत्व ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। खड़गे जी मध्य प्रदेश में यदि आदिवासियों पर बात कर रहे हैं तो उन्हें इस बात का जवाब जरूर देना पड़ेगा कि अधीर रंजन चौधरी जी ने आदिवासी महिला, जो देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, उन पर उनके बारे में जब अनर्गल बात की थी तो खड़गे जी कहाँ गए थे। जब हमने द्रौपदी मुर्मू जी को इस देश में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनने का मौका दिया था तब कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया था। कमलनाथ जी से वो ये बात पूछेंगे क्या कि सहरिया और बाकी आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 1,000 रुपये देने की योजना बनाई थी उसको कांग्रेस की सरकार ने बंद क्यों कर दिया। केवल चुनाव पर वर्ग विशेष को बहलाने फुसलाने की कोशिश करके राजनीतिक बात करना ये उचित नहीं है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।